হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ইউ অল টু ইউটিউব চ্যানেল আসাম হাউস প্ল্যান্স ডট কম। তো নিচে ডিসক্রিপশন মে দেখ লিজিয়েগা, ওহাঁ পর আপকো অর সারে লিঙ্কস দে দেঙ্গে, ওহাঁ পর জাকে আপ চেক কর সকতে হ্যায়, বহুত সারে হাউস প্ল্যান্স মিলতে রহেঙ্গে। এন্ড আজ হম ডিসকাস করনে ওয়ালে হ্যায় 30x50 মে বনা হুয়া এক রেন্ট পারপোজ। মেইন ইসকা ইন্টেনশন রহেগা রেন্ট অর উইথ কস্ট অফ কনস্ট্রাকশন, কলম কে সাইজ কে সাথ বতা দেঙ্গে, कॉलम के अंदर कितना मैम का सरिया इस्तेमाल करना है। बहुत ही बेहतरीन प्लान है। अगर आपका भी प्लान आप सेंड करना चाहते हैं और सेंड करके पीडीएफ फाइल सेंड कर लीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8095615113। इस पर जो है आप सेंड कर सकते हैं। और कुछ एड्स देना चाहते हैं तो भी एड्स दे सकते हैं, जैसे कि आपका कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, कुछ मार्केटिंग करना है, तो डेफिनेटली आप एड्स दे सकते हैं हमारे इस चैनल पर। आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, कुछ मिनिमम फीस रहेगा और कुछ भी नहीं। एंड व्हाट्सअप नंबर पर जो है आपका कोई भी फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन, जो भी लुक चल रहा है, फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग रिलेटेड, आप आपके घर में जो बेहतरीन से बेहतरीन एक नया टेक्नोलॉजी आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो शेयर करना चाहते हैं पूरे इस दुनिया के साथ, तो व्हाट्सअप कर लीजिए 8095615113। प्रेजेंटली हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में। प्लान जो कंसिस्ट करता है 30x50 में बना हुआ प्लान है, जिसके अंदर मेन इंटेंशन है इनका रेंट देना। रेंट देना ही मेन इंटेंशन था, जो कि हमें पीडीएफ फाइल जो सेंड किए गए थे उनके द्वारा, तो वही उस इंजीनियर के द्वारा है। और उस जो हमें, जैसा मैं बताया था कि आपको व्हाट्सएप पर सेंड करे, उसी तरह से उन्होंने भी सेंड करे थे, थैंक यू सो मच उनको भी। ओके, और प्लान में 30x50 में 50 के अंदर जो है करीब 4 पोर्शन बिठाए गए रेंट पोर्शन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं राकेश जी बिसालपुर इन्हों हमें सेंड किए गए थे। तो चारों तरफ रोड है, यहाँ पर भी रोड 1 2 3, जो चारों दिशा की ओर, तीन दिशा की ओर रोड है, तो उसकी वजह से एक एडवांटेज है उसकी वजह से। एंड स्टेयरकेस जो है यहाँ पर लिया गया एंट्रेंस पर, तो मेन एंटर हो गए। एंटर के बाद नेक्स्ट आता है आपका पैसेज एरिया। तो पैसेज के बाद फर्स्ट में देखिएगा किचन कम वरंडा, यानी कि किचन 4x7 फीट में किचन बनाया गया, तो थोड़ा बहुत कुछ कंजेस्टेड है, एडजस्ट करना ही पड़ता है जब आप रेंट भी देना चाहते हैं और कुछ फीस भी। तो इट्स लाइक 1 BHK एंड सामने 5 फीट 7 इंच बाय 7 फीट का जो है वरंडा दिया गया है यहाँ पर, लाइक हॉल के जैसे एंट्रेंस में। एंड एक रूम 11x10 फीट में, ओके 11x10 फीट में एक रूम। स्टेयरकेस के पीछे और थोड़ा सा जगह बचे, उसका दूसरा वर्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और टॉयलेट रूम का साइज देखिएगा 10x4 फीट में, 8x4 फीट में टॉयलेट रूम साइज है, विथ 5 फीट का छोड़ा गया वहाँ पर। तो टोटल एंड यहाँ पर दूसरा वाला देख सकते हैं, इधर 4x8 फीट 8 इंच में किचन लिया गया, 4x7 फीट में किचन। एंड दूसरा जो है एक वरंडा 8 फीट 8 इंच टू 6 फीट 11 इंच, ये थोड़ा बहुत कुछ ओके है 7x9 के हिसाब से। एंड यहाँ पर रूम का साइज 11x11 फीट 4 इंच में। एंड टॉयलेट रूम का साइज 8 फीट 4 इंच इंटू 4 फीट में बना हुआ है। एंड वहाँ पर सामने थोड़ा सा गैप रखा गया है 2 फीट, वो चाहे तो आप डक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जब आप यहाँ से आते हैं दूसरे पोर्शन में, दूसरे पोर्शन एंटर होने के लिए किचन और वरंडा, किचन का साइज 4x7 है और वरंडा का साइज 8 फीट 8 इंच टू 6 फीट 10 इंच का। एंड यहाँ पर रूम दिया गया, रूम का साइज 11x11 फीट 3 इंच। एंड टॉयलेट रूम का साइज है 8 फीट 3 इंच इंटू 4 फीट का, सेम इसी तरह का। तो इसका बात करते हैं कॉलम पोजीशन। कॉलम पोजीशन आप देख सकते हैं ब्रीफ व्यू पर, तो कॉलम्स दिया गया है यहाँ पर, 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर में दिया गया। कोशिश कर लीजिएगा इवन में रहने का, ट्राई कर सकते हैं। तो टोटल 15 नंबर ऑफ कॉलम्स दिया गया है एंड कॉलम का साइज 9x12 इंच है लगभग। तो इस तरह का एक कॉलम का साइज, कॉलम पोजिशन जो आज हम आपको बताया है। एंड इसका कुल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको अराउंड 25 लाख तक आ सकता है, थोड़ा बहुत, बिकॉज वॉल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है इसमें, इसलिए दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। यही कुछ इंफॉर्मेशन आज मैं देना चाहता था।
तो कैसे लगा वीडियो जरूर बताइएगा, एंड जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको आने वाले समय में इसी तरह से और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस चैनल पर जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे सदस्य बनिएगा, बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय देके वीडियो को पूरा अंत तक देखे ना, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जय हिंद।